राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल, और ये चैनल भारत के सभी किसान भाइयों की आवाज़ का चैनल है। ये सत्य की आवाज़ का चैनल है मेरे किसान भाइयों। इसी चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों को अच्छे अच्छे किसानों से मुलाकात कराता हूँ, बहुत एडवांस कृषि का खेती बाड़ी करना भी सिखाता हूँ, और भी जैविक खादों की जानकारी भी देता हूँ। तो इसी प्रकार आज हम बात करेंगे खेती बाड़ी के अंदर विषय रहेगा तरबूज की खेती। मेरे किसान भाइयों, तरबूज की खेती को भी प्रॉफिटेबल समझा गया है। तरबूज की खेती एक फ़ायदे की खेती है, क्योंकि इसको फ़ायदे की खेती इसलिए समझा गया है क्योंकि तरबूज की खेती क्या है कि 80 से 90 दिन के अंदर आ जाती है, 80 से 90 दिन के अंदर आ जाती है। और तरबूज के अंदर क्या है कि वेरायटी की बात करें तो तरबूज की वेरायटी अलग अलग प्रकार की वेरायटी है, बहुत सी वेरायटियाँ हैं और बहुत सी कंपनियाँ भी हैं। जिस तरबूज का आपके एरिया के अंदर डिमांड ज़्यादा हो वही तरबूज आप लगाएं। इसी प्रकार से राजस्थान जयपुर के अंदर हमारे नीरज जी का ये फार्म हाउस है, तो ये नीरज जी ने 7 बीघे के अंदर तरबूज की ये खेती करी है। किसान भाई को दिखाना थोड़ा, ये 7 बीघा ज़मीन है, तो 7 बीघे के अंदर इन्होंने तरबूज लगाया है, और तरबूज लगाया है आइस बॉक्स। तो आइस बॉक्स की तरबूज की क्वालिटी कैसी रहती है आपको मैं बता देता हूँ। नीरज जी दिखाना किसान भाइयों को, ये आइस बॉक्स करीब 1 किलो से 2.5 किलो के तक बीच में वजन आता है आइस बॉक्स का, एक बार दिखाना किसान भाइयों को। तो ये तरबूज है, और 80 से 90 दिन के अंदर ये तरबूज की फसल आप लोग ले लोगे। मेरे किसान भाइयों, तरबूज की फसल एक ऐसी फसल है कि आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से करोगे तो बहुत ही शानदार फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। ऑर्गेनिक तरीके से क्या, इसको ज़्यादा खुराक वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा स्प्रे भी नहीं होता है इसके ऊपर, पत्तों के ऊपर जो है स्प्रे भी ज़्यादा नहीं होता है। बस तरबूज की फसल के अंदर आप सड़ी हुई गोबर है तो गोबर का प्रयोग में ले, सीमित मात्रा के अंदर गोबर डालें। जिप्सम है तो जिप्सम की मात्रा भी डालें। सरसों की खड़ी है तो सीमित मात्रा के अंदर सरसों की खड़ी भी डालें। और अगर गोबर नहीं है आप लोगों के पास तो वर्मी कंपोस्ट का विकल्प भी आप ले सकते हो। इसके बाद के अंदर बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो अपन घर में बना सकते हैं। तो पानी के अंदर जब सिंचाई करती होती है, तरबूज की सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई के साथ घर के अंदर फर्टिलाइज़र बनाएं अलग अलग तरीके से, वो फर्टिलाइज़र आप समय समय पर दें। इसके साथ साथ बोरोन की मात्रा पर ध्यान दें, होमिक एसिड की तरफ ध्यान दें, और एमिनो एसिड की तरफ भी ध्यान दें। तरबूज के अंदर ये तीनों की बहुत ही अच्छी भूमिका है। तो अगर इन बातों पे आप ध्यान दोगे मेरे किसान भाइयों, तो यकीनन आपके क्या है कि तरबूज का फ्लोर भी ज़्यादा आएगा, और ये जो आपका ये जो तरबूज है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, और तरबूज फूलेगा भी। अभी बात करते हैं कि तरबूज कि कौन से महीने में लगाया जाता है, ये भी हम बात करते हैं, नीरज जी से बात करते हैं। नीरज जी, आपने ये कौन सी कंपनी का तरबूज लगाया है? सुमन 235 पाउजा का। अच्छा, पाउजा कंपनी का लगाया है। ये बीघे का कितने कितने ग्राम लग जाता है? ये लगता है 125 से 150 ग्राम के लगभग बीघे का। तो मेरे किसान भाई, बीघा कच्चा कच्ची का पक्का? कच्ची बीघा। राजस्थान के अंदर क्या है किसान भाई, कच्ची बीघा ज़्यादा चलता है, तो कच्ची बीघे के अंदर 8 बिसवा क्या होता है कच्ची बीघा, तो 125 ग्राम से 150 ग्राम किसान भाई आराम से बीज लगा सकते हैं। और ये जो पूरी सिस्टम है ये तरबूज की, तो ये क्या है, मल्चिंग के माध्यम से लगाई हुई है, ड्रिप सिस्टम से है पूरी पैदावार। जो मिट्टी की बेड बना के ड्रिप के पाइप बिछाए हैं, और ये प्लास्टिक की PVC मल्चिंग देख रहे हो, तो मल्चिंग लगाकर और ये करिए जिससे बूंद बूंद से सिंचाई हो। ज़्यादा तरबूज के अंदर वाटरिंग करना चाहो तो कर सकते हो। तरबूज एक ऐसी फसल है कि अगर ज़्यादा पानी की वाटरिंग भी करना चाहते हो, सिंचाई भी कर दो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पानी की फसल है तरबूज। और ऑर्गेनिक तरीके से करोगे तो तरबूज के अंदर बहुत सा फ़ायदा मिलेगा। और ये आप फसल कौन से महीने के अंदर लगाई थी? ये फरवरी अंत में लगाई थी, मतलब 20 फरवरी के आसपास लगाई थी, 20-25 फरवरी के आसपास। हाँ, क्यों, मैं भी था उस टाइम। तो ये 20-25 फरवरी की तरह लगाया था। और आज तारीख क्या, कितनी हो गई है? 27 तारीख हो गई, अप्रैल की। 27 अप्रैल हो गई है 2020। हाँ, दो महीने के लगभग हो गया, मतलब 60 दिन की अपनी फसल हो गई, 60 दिन की, 60-65 दिन की फसल हो गई कुल मां की बात यह है।
और अभी भी थोड़ी फसल कच्ची है, तो 10 दिन के अंदर 10-15 दिन लगेंगे अभी तक, 10-15 दिन और लगेंगे। और आमदनी की बात करते हैं मेरे किसान भाइयों, तो ये 7 बीघे जो जमा आपके पास कच्ची ज़मीन है, तो 7 बीघे कच्ची ज़मीन के अंदर ये मान के चलो 8 रुपये किलो का भाव भी आ जाए कम से कम मान के चलते हैं, तो कितनी पैदावार है ये? 4 से 4.5 लाख के लगभग हो जाएगा। 8 रुपये किलो मांग के चलो, 8 रुपये किलो, 4 से 4.5 लाख रुपये। हाँ, 7 बीघे के अंदर, 7 बीघे। और इस 7 बीघे के अंदर टोटल खर्चा कितना आ गया? खर्चा कितना आ गया आपका? खर्चा इसमें लगभग 50,000 के लगभग खर्चा आ गया। अच्छा, तो मेरे किसान भाइयों अगर 50,000 लगा के अगर 4-4.5 लाख रुपये कमा ले तो कौन सा बुरा है? तकनीक से काम करोगे आप, सोच समझ के काम करोगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। और तरबूज की खेती भी एक फ़ायदेमंद खेती है। तरबूज आप, ये तरबूज बिक जाएंगे, इसके बाद में ये जो हरा चारा है इसको जानवर भी खाते हैं आराम से, और पशुपालन करते हो तो ये आराम से आपके जानवरों का चारा भी बन जाएगा। परंतु ध्यान रखें, क्योंकि तरबूज की अप्रैल के महीने में लू चलती है, तो हो सके जितना, जैसे ये देखिए ये चारा लगा रखा है बाजरा, तो खेत के चारों तरफ बॉर्डर के चारों तरफ चारा लगाए आप, बाजरा लगाए, जिससे लू का प्रकोप रुक सके। और बीच बीच के अंदर कतारों के अंदर भी लगा दे बाजरा, तो इसके क्या लू का प्रकोप रुक सकता है। तो तरबूज की मैंने जानकारी मेरे किसान भाइयों मैंने आप लोगों को दे दी है। आप ये पहुजा कौन सा बीज बताया था? पहुजा सुमन 235। आइस बॉक्स बोलते हैं, तो इसको आइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? फ्रिज में आसानी से, छोटा होता है ना। अच्छा, छोटा रहता है तो इसको फ्रिज में आसानी से रख देते हैं, और इसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि कई लोग होते हैं तो ठंडा करने के लिए फ्रिज में इसको रखते हैं, और आवश्यकता ज़्यादातर इसको आइस बॉक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रिज में रखा जाता है, आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं इसको, और ज़्यादा डिमांड इसी की है। तो मेरे किसान भाइयों अगला वीडियो फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।